भारत डायनेमिक्स के शेयर में सोमवार यानी 19 सितंबर को शुरुआती कारोबार के दौरान BSE में इंट्राडे पर 6% से ज्यादा की रैली देखने को मिली और शेयर 979.10 के स्तर पर पहुंच गए। ये शेयर का ऑल टाइम हाई है। बता दें कि कारोबार के अंत में भारत डायनेमिक्स के शेयर 1.63% मजबूत होकर 936 रुपये पर बंद हुए। पिछले कुछ सेशन से शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। इंट्राडे हाई से तुलना करें तो पिछले 5 सेशन में शेयर लगभग 16% का रिटर्न दे चुका है। पूरे साल की बात करें तो भारत डायनेमिक्स के शेयर ने मल्टीपैक रिटर्न दिया है। शेयर ने पिछले 6 महीने में लगभग 64%, 2022 में अभी तक 140% और एक साल में 143% का दमदार रिटर्न दिया है। हैदराबाद हेडक्वार्टर वाली कंपनी भारत डायनेमिक्स की स्थापना डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU के रूप में 16 जुलाई 1970 में हुई थी। कंपनी गाइडेड मिसाइल सिस्टम के लिए बेस और भारतीय वायुसेना के लिए दूसरे इक्विपमेंट्स बनाती है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 3 तेलंगाना और 1 आंध्र प्रदेश में है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक अपने एक्सपेंशन प्लान के तहत भारत डायनेमिक्स महाराष्ट्र के अमरावती में एक यूनिट लगा रही है, जिससे आर्म फोर्स की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जाएगा। कंपनी ने हाल में एयर टू एयर मिसाइल एस्त्रा MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज और सभी सहायक सिस्टम की सप्लाई के लिए भारत सरकार से 2971 करोड़ रुपए की डील हासिल की है। इसकी सप्लाई एयरफोर्स और इंडियन नेवी को होनी है। उल्लेखनीय है कि एस्त्रा MK-1 मिसाइल और सभी सहायक सिस्टम के लिए DRDO से BDL को टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। भारत डायनेमिक्स ने 2021 से 2022 के लिए अपनी 52वीं एनुअल रिपोर्ट में कहा, ऑर्डर बुक बढ़ रही है और हम अपने ऑर्डर्स को मजबूती देने में सक्षम हैं, जो पूरे होने के कई चरणों में है। हम अगले 2 साल में 25,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक की उम्मीद करते हैं। जून 2022 के अंत तक कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग लगभग 55,333 करोड़ रुपए है। बता दें कि यह मुहैया जानकारी से सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी यहां पैसा लगाने की कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।